नमस्कार, हिमाचल अभिवी के रेडियो बुलेटिन के साथ मैं भावना ठाकुर पेश है अब तक के प्रमुख समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। बागियों ने पैसे डालने के लिए चंडीगढ़ में खरीदे थे अटैची, सरगना ने तो दो लिए, गलोड़ में बोले सुक्खू। विक्रमादित्य सिंह बोले ग्लैमराइज तरीके से चुनाव नहीं लड़े जाते, धरातल पर काम करना पड़ता है। विक्रमादित्य सिंह मेरे छोटे भाई हैं, लेकिन वो मुझसे तो नाराज ही रहते हैं, बोली कंगना। सिरमौर में महिला को दो बार ठगने वाले साइबर ठग गिरोह का भंडाफोड़, अफ्रीकी मूल के दो आरोपी अरेस्ट। शिमला के ओल्ड बस स्टैंड पर बसों में भिड़ंत, एक महिला की हुई मौत, चालक फरार। कुल्लू में बड़ा हादसा, चोई नाला में कार दुर्घटनाग्रस्त, चार लोगों की मौके पर मौत। अब समाचार विस्तार से। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को हमीरपुर के गलोड़ में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए एक बार फिर बागियों पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बागी विधायकों ने चंडीगढ़ में नए नए अटैची भी पैसों को डालने के लिए खरीदे थे, जिसका हमें भी पता चल गया है। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि यह भी पता है कि सरगना ने तो दो अटैची खरीदे थे। सीएम सुक्खू ने कहा कि आम परिवार का बेटा आज सीएम के पद तक पहुंचा है और छह विधायकों ने वोट भी नहीं डाला, फिर भी सरकार टिकी हुई है। मंडी सीट से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बीच वॉक युद्ध लगातार जारी है। कंगना ने विक्रमादित्य को छोटा पप्पू कहा, जिस पर अब मंत्री ने पलटवार किया है। विक्रमादित्य ने कहा कि बड़ी बड़ी बातें करने और ग्लैमराइज तरीके से चुनाव नहीं लड़े जाते हैं, उसके लिए धरातल पर काम करना पड़ता है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि उनके परिवार को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। वीरभद्र सिंह छह बार प्रदेश के सीएम रहे। लोकसभा चुनाव में देश की सबसे हॉट सीटों में हिमाचल प्रदेश की मंडी संसदीय सीट भी शुमार हो गई है। मनाली के सिमसा में एक बार फिर से कंगना रनौत ने विक्रमादित्य सिंह पर निशाना साधा है। विक्रमादित्य सिंह मेरे छोटे भाई हैं, लेकिन वो मुझसे तो नाराज ही रहते हैं, इतना प्यारा मैंने उन्हें राजा बेटा राजा बाबू नाम दिया, उससे भी खफा है। कंगना रनौत ने मनाली की जनता से वोट की अपील की और कहा कि जो गलती हिमाचल से हो गई है उसे सुधारने का वक्त आ गया है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। सिरमौर पुलिस ने एक बड़े साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने लाखों की ठगी के एक मामले में दो अफ्रीकी मूल के आरोपियों को गिरफ्तार किया है, इनमें एक महिला भी है। इन दोनों आरोपियों को पुलिस दिल्ली से गिरफ्तार करके लाई है। पुलिस ने इनके कब्जे से 6 मोबाइल फोन, 7 मोबाइल सिम बरामद किए हैं। नाहन की एक महिला को लाखों की चपत लगाने के मामले में गठित की गई एसआईटी ने इन ठगों को गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई है। शिमला के ओल्ड बस स्टैंड में दो एचआरटीसी की बसों की भिड़ंत में एक महिला की मौत हो गई और पुरुष घायल हो गया। हादसा सुबह 10 बजे के करीब पेश आया, जब ओल्ड बस स्टैंड में खड़ी एचआरटीसी बस को दूसरी एचआरटीसी की बस ने पीछे से टक्कर मार दी। दुर्घटना में एक खड़ी बाइक भी चपेट में आ गई है। दोनों घायलों को मौके पर मौजूद लोगों ने रिपन अस्पताल पहुंचाया, जहां महिला की मौत हो गई है। चश्मदीदों ने आरोप लगाया है कि एचआरटीसी की तरफ से कोई भी घायलों को अस्पताल पहुंचाने नहीं आया, ना ही पुलिस मौके पर पहुंची। कुल्लू के पुलिस थाना आनी के अंतर्गत राणाबाग करशाला मार्ग पर चोईनाला में एक मारुति अल्टो कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना में कार में सवार चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। पुलिस के अनुसार मृतकों की पहचान सुरेंद्र कुमार चालक पुत्र धर्मचंद और सुशील कुमार पुत्र मनसाराम निवासी बिशल डाकघर डिगेढ़, वीर सिंह पुत्र मोतीराम और संजीव कुमार पुत्र रोशनलाल निवासी खनेरी डाकघर डिगेढ़ के रूप में हुई है। पुलिस दुर्घटना के कारणों का पता लगाने में जुट गई है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।